नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपका अपना दोस्त अनीस। और दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने कुछ शॉपिंग की है, तो वो शॉपिंग के दोस्तों आज मैं आपको प्लांट्स दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से प्लांट्स हैं, कैसे प्लांट्स हैं और किस तरह के प्लांट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा सबसे पहला प्लांट है जो कि है दोस्तों, देखिए पान का पौधा। और ये देखिए दोस्तों, ये कितना छोटू सा पौधा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मुझे देखिए, ये एक छोटा सा पौधा है पान का, जो कि देखिए दोस्तों मैं ले करके आया हूँ। और आप इसमें दोस्तों देख सकते हैं कि जैसे देखिए इसमें काफ़ी सारे देखिए रूट्स निकल रहे हैं। तो इसको दोस्तों मैं पूरा हॉरिजॉन्टल ही लगाने वाला हूँ। और इसके दोस्तों जब सारे के सारे रूट्स पूरे पॉट में जब फिलअप हो जाएंगे, तब मैं इसको कट करके और इसके बहुत सारे पौधे बना लूँगा। जैसे कि दोस्तों मैंने एक वीडियो डाला था कि मनी प्लांट का मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया था, उस तरीके दोस्तों इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा। और दोस्तों इसके सारे के सारे पौधे बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाते हैं। आप दोस्तों एक तरह समझ लीजिए कि जैसे आप अपने घर में मनी प्लांट लगाते हैं, वैसे इसको लगाते हैं। तो दोस्तों मनी प्लांट लगाने का कोई शुभ फायदा नहीं होता है, वो केवल दोस्तों एक घर में ग्रीन फोलिएज के लिए लगाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों उसमें कुछ भी नहीं होता है। और वो दोस्तों खाने में भी बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, इस वजह से दोस्तों उसको आप लोग अपने घर में लगाते तो हैं, लेकिन उसका दोस्तों कोई बेनिफिट नहीं होता। ये दोस्तों लगाने के लिए बहुत ज़्यादा सूख पौधा होता है। और इसके दोस्तों पान के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग खाते भी हैं बहुत तरीके के। दोस्तों आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी दोस्तों इसका यूज होता है। तो दोस्तों आप अपने घर में एक प्लांट का पौधा तो दोस्तों इस टाइम पे जरूर लगाइए। इस टाइम आप नर्सरी में जाएंगे, इतने छोटे पौधे दोस्तों आपको आराम से आपके अवेलेबिलिटी के हिसाब से मिल जाएंगे। मेरे यहाँ पे दोस्तों ये जो है 40 से 45 रुपए के मिलता है। आप बाहर जाएंगे किसी बड़ी नर्सरी में जाएंगे, इतने छोटे छोटे पौधे दोस्तों आपको 15 से 20 रुपए में भी मिल सकते हैं। तो आप अपने यहाँ किसी लोकल एरिया से ही दोस्तों इसको लेकर के आइए। अगला है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये गंधराज का पौधा है। ये दोस्तों जो गंधराज की मीडियम वाली वेराइटी होती है, ये वो वाली वेराइटी है, ये देखिए। और दोस्तों इसमें देखिए कितनी सारी अच्छी बढ़िया देखिए रूट्स हो गई थी। छोटा सा ही बाउल है और पौधा अच्छा बढ़िया है दोस्तों। इस वजह से मैंने इस प्लांट को सिलेक्ट किया है कि देखिए दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छी देखिए रूट्स हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी इसमें रूट्स हैं और नीचे साइड से अभी आप देख सकते हो दोस्तों कितनी अच्छी रूट्स हैं। तो आप भी दोस्तों जब पौधा सिलेक्ट करें तो ऐसे ही पौधे सिलेक्ट करें जिनमें कि बहुत अच्छी अच्छी चीज इसमें रूटिंग हुई हो। तो ये देखिए कितना बड़ा पौधा है। और ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा सारे दोस्तों इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सस्ते पौधे मिल रहे हैं। आप कहीं पर भी जाइए, कहीं से भी बहुत सस्ते पौधे मिल रहे हैं दोस्तों। आप लेकर के आइए, अपने गार्डन में ज़रूर से ज़रूर लगाइए। एक है दोस्तों ये देखिए, ये है मिनी चांदनी का पौधा। दोस्तों मिनी चांदनी का जो मेरा पौधा था दोस्तों, वो इस साल गर्मियों में ख़राब हो गया। तो इस वजह से दोस्तों एक ये मैं मिनी चांदनी का भी पौधा ले करके आया हूँ अपने गार्डन में लगाने के लिए। दोस्तों ये सबसे बेहतरीन प्लांट होता है, एक छोटा सा एक बाउल सरीके बन जाता है। आप इसको दोस्तों 10 इंची के पॉट में लगाइए, सबसे बेहतरीन तरीके से चलेगा। और मैं बोलूँगा स्टार्टिंग में दोस्तों आप इसको 6 इंच से स्टार्ट कीजिए, और दोस्तों हर 6 महीने के बाद इसको आप रिपोर्ट करते रहिए। तो बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों ये आपका चलता है मिनी चांदनी का पौधा। दोस्तों दोस्तों आप इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे, कटिंग करते रहेंगे, शेपिंग करते रहेंगे, तो दोस्तों एक ये जो है मिनी जो है तो एक बॉल शेप का बन जाता है छोटा सा, और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों ये। और ये साल भर दोस्तों फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है। ये दोस्तों ऐसी वेराइटी होती है जो दोस्तों विंटर में भी आपकी फ्लावरिंग करती है। तो आप इस प्लांट को जरूर से ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने कुछ और पौधे भी सेलेक्ट किए हैं, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये मैंने हाइबिस्कस लिए हुए हैं कुछ, ये देखिए ये दोस्तों मुझको ये बढ़िया अच्छे रेट में मिल गए, तो मैं ये सारे हाइबिस्कस ले आया। ये देखिए दोस्तों ये सारे हाइब्रिड हाइबिस्कस हैं, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों ये सारे प्लांट्स। दोस्तों मैंने इसके 9 प्लांट्स लिए हैं, ये देखिए। और इसके अलावा दोस्तों मैंने 2 और लिए हैं, 2 हैं दोस्तों ये गजनिया, और इसके अलावा देखिए कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों गजनिया मैंने इस वजह से लिया है कि गजनिया को आप अभी इस समय से लगा देंगे तो विंटर आते आते दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा घना हो जाएगा, और काफ़ी अच्छी दोस्तों इसमें हमें सीजन में दोस्तों हम इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग देखने के लिए मिल जाएगी। और गजनिया में दोस्तों बहुत सारे कलर्स आते हैं, आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। मेरा जो दोस्तों लास्ट ईयर का वाला गजनिया था, वो दोस्तों बारिश तक चला, लेकिन बारिश में दोस्तों इतनी ज़्यादा मतलब बारिश हुई, और दोस्तों मैंने उस
उसको बहुत ज़्यादा केयर करने की भी कोशिश की, उसमें फर्टिलाइज़र भी दिया और उसमें दोस्तों मैंने ऊपर से इसमें शेड वगैरह भी बनाया, लेकिन दोस्तों वो इतना ज़्यादा हाई मॉइस्चर था कि वो बच नहीं पाया, जबकि पूरा का पूरा समर दोस्तों उसने टॉलरेट किया था। इस वजह से मैं दो गजनिया के पौधे लेकर के आया हूँ, वो काफ़ी अच्छे हेल्दी पौधे हैं, ये देखिए काफ़ी हेल्दी पौधे हैं। तो आप भी अपने गार्डन के लिए गजनिया दोस्तों विंटर प्लांट्स में अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों मैंने ये बास्केट वाले कुछ हाइबिस्कस लिए हैं, और दोस्तों ये हाइबिस्कस ऐसे होते हैं कि जिसको आप बोल सकते हैं कि ये बेंगलोर वेराइटी हाइबिस्कस होती है। ये दोस्तों इतनी छोटी छोटी कटिंग आती है, इसको दोस्तों घर में लगा करके और फिर आप बड़ा कर सकते हो। आप इसके बड़े प्लांट्स लेने जाएंगे तो दोस्तों वो आपको नर्सरी में 200 से 300 रुपये मिलते हैं, लेकिन इतने छोटे छोटे बास्केट लाएंगे तो दोस्तों आपको ये 20-20 रुपये की मिल जाएगी आसानी से। दोस्तों जब होलसेल में बिकती है तो दोस्तों ये 10-10 रुपए का बिकता है, लेकिन ऐसे में दोस्तों ये आपका 20-20 रुपए में बिकता है। आपको कहीं पर भी दोस्तों ऐसे छोटे छोटे ये हाइबिस्कस वाले प्लांट्स मिल जाएं जो कि हाइब्रिड वाले होते हैं, आप इनको तुरंत उठा करके ले आइएगा, अपने गार्डन में लगाइएगा। लगाने के लिए दोस्तों जैसे मैं बता दूँ, मैंने यहाँ पर दोस्तों जो है तो 40% सॉइल ली है, 40% कंपोस्ट ली है और 15% सैंड ली है, और इसमें थोड़ा सा दोस्तों मैंने एक मुट्ठी इसमें लीफ कंपोस्ट भी मिलाया हुआ है। और दोस्तों इसमें आप थोड़ा सा फंगीसाइड मिलाइएगा, बोन मील मिलाइएगा, नीम खली मिलाइएगा, थोड़ा सा सरसों की खली मिलाइएगा, थोड़ा सा DAP मिलाइएगा, थोड़ा सा एप्सम साल्ट मिलाइएगा, थोड़ा सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलाइएगा, और दोस्तों इन सबका एक बैलेंस फर्टिलाइज़र बनाइएगा और इसको दोस्तों दीजिएगा। बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों ये ग्रो करते हैं, ग्रो करने के लिए इनमें दोस्तों कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, लेकिन दोस्तों जो मैं सॉइल बनाता हूँ वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो दोस्तों आप भी अपने गार्डन में इनको ग्रो करिए और लगाइए। लगाने के लिए देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर इनको मैंने लगाने के लिए 5x5 इंच के अभी पॉट लिए हैं, जो कि दोस्तों अभी इनके लिए सफिशियंट है। तो दोस्तों आप भी अपने गार्डन में कुछ सारी चीज़ें ऐड करिए, जैसे कि जैसे इस टाइम पे दोस्तों फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं, आप फ्रूटिंग प्लांट्स को ऐड कर सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में जैसे दोस्तों बड़े प्लांट्स होते हैं, या फिर जैसे कि चंपा वगैरह होते हैं, पपीता वगैरह हो गए, ऐसे थोड़ी बड़े बड़े पौधे भी जो दोस्तों 12 इंच के पॉट में चल जाते हैं, आप ऐसे पौधों को भी अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हो। फ्लावरिंग में दोस्तों जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं आप उनको भी ग्रो कर सकते हो। ये दोस्तों ग्राफ्टिंग का बेस्ट सीजन है, तो दोस्तों आप अपने हाइबिस्कस की ग्राफ्टिंग कर सकते हो, रोजेस की ग्राफ्टिंग कर सकते हो, अडेनियम्स की ग्राफ्टिंग कर सकते हो, जिस चीज़ की भी आप चाहते हो दोस्तों आप उस टाइम पर उसकी ग्राफ्टिंग कर सकते हो। तो होप दोस्तों हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ का चाहिए। तो जिस चीज़ का दोस्तों आपको चाहिए होगा उसी से रिलेटेड मैं ले करके आऊँगा। दोस्तों मैंने पीछे एक शीट्स वाली डाली थी वीडियो, तो उसमें दोस्तों आपको एक कमेंट करना है, उसमें दोस्तों आप कमेंट ये करेंगे कि उसमें मैंने कितने वैरायटी के हर्ब्स के सीड्स दोस्तों लगाने के लिए दोस्तों मैंने बताया हुआ है, कितने प्रकार के हर्ब्स के सीड्स उनके पास अवेलेबल हैं। ये दोस्तों अगर आप मुझे कमेंट करके बताते हैं तो दोस्तों 24 आवर्स इस वीडियो के दोस्तों 24 आवर्स के अंदर जितने भी उसमें कमेंट्स आएंगे उन सभी का दोस्तों मैं कुछ ना कुछ गिव अवे करूँगा। तो होप दोस्तों हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर दबाइए। तो फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए पावर में संसार, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय।